दोस्तों, आप माने या ना माने, परंतु आज भी कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय समय पर अपने होने का प्रमाण भी देते आए हैं। और एक ऐसी ही घटना हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, जब 5 साल की एक बच्ची को डूबने से बचाने खुद चली आई एक इच्छाधारी नागिन, और फिर जो हुआ उसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दरअसल दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश में रहने वाले एक किसान ओमकार सिंह की है, जहां ओमकार सिंह अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी किरण के साथ रहते थे। ओमकार सिंह की एक तालाब के किनारे 200 बीघा जमीन है, जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पालन करते हैं। ओमकार सिंह महादेव के परम भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो तालाब के पास की जमीन थी, वहां एक शिवलिंग बनवाया है। और अपने खेत में काम करने से पहले वो सुबह शिवलिंग की पूजा किया करते थे। ओमकार सिंह के खेत के पास जो तालाब है, उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहां एक नागिन रहती है, जिसे कई बार बच्चों ने शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा है। इस कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती, परंतु ओमकार सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी। परंतु एक दिन ओमकार सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई। उस दिन वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी। खेत में आकर उनकी बेटी खेलते खेलते उस तालाब के पास पहुंच गई, जहां पर एक पेड़ पर चढ़कर वो खेलने लगी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। ओमकार सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनकी बेटी खेलते खेलते तालाब में गिर गई है और डूब रही है। किरण धीरे धीरे पानी के अंदर डूबती जा रही थी कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया, और उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्ची को डूबने से बचा लिया और खुद उस बच्ची को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँची। उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपकी बेटी तालाब में गिर गई थी। ओमकार सिंह की पत्नी ने तुरंत अपनी बेटी को गोद में ले लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगर उसकी बच्ची तालाब में डूब गई होती तो उस पर क्या गुजरती। ओमकार सिंह ने उस सुंदर स्त्री को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। तभी वो लड़की वापस तालाब की ओर जाने लगी तथा अचानक से गायब हो गई। ओमकार सिंह और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी ओमकार सिंह को लोगों के द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी, और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी बेटी को किसी साधारण लड़की ने नहीं, बल्कि उसी नागिन ने बचाया था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे महादेव शिव अपने भक्तों को कष्टों से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।